भीमगांव थाना क्षेत्र लखीमपुर खीरी में बड़ी बहन से तमंचे की नोक पर रेप और छोटी बहन की गला दबाकर की हत्या। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं किया केस दर्ज और मामले को दबाते हुए करा दिया अंतिम संस्कार। निमगांव पुलिस रेप और हत्या जैसे संगीन मामले में मनमानी कर रही है। वहीं मीडिया में मामला प्रकाश में आते ही जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद कब्र से खुदवा कर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। निमगांव पुलिस की कार्यशैली पर जनता सवाल उठा रही है। सोनभद्र में अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह द्वारा थाना जुगल का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली गई। तत्पश्चात संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालखाना, महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष, सीसीटीवी में बैरक आदि का निरीक्षण किया गया। कालू सिंह ने थाना परिसर बैरक में इत्यादि को साफ व स्वच्छ रखने एवं कार्यालय के अभिलेखों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित रखने हेतु थाना प्रभारी जुगैल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोनभद्र में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने आज ईवीएम हॉल में एफएलसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए ईवीएम मशीनों का एफएलसी का कार्य 11 सितंबर से गतिमान था, जो 28 सितंबर को पूर्ण हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 5% मशीनों में मॉक पोल संपन्न कराया गया था। 5% मशीनों में से 1% मशीनों का 1200 वोट, 2% मशीनों पर 1000 वोट तथा 2% मशीनों पर 500 वोट कास्ट करने थे। उन्होंने बताया कि पार्टी के कुछ प्रतिनिधियों ने एफएलसी प्रक्रिया को खुद देखा था। एसटीएफ उत्तर प्रदेश, वन विभाग एवं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त अभियान में वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गैंग के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से राष्ट्रीय पशु बाघ की हड्डियों का ढांचा बरामद किया गया। विगत कुछ दिनों से राष्ट्रीय पशु बाघ के लिए संरक्षित वन्यजीव अभयारण्यों से इन्हें मारकर इनकी खाल, हड्डी, नाखून इत्यादि की तस्करी करने वाले गैंगों के सदस्यों के जनपद लखीमपुर खीरी व पीलीभीत के आसपास सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी संबंध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों ने टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग वन रेंज माला पीलीभीत में पंजीकृत कराकर दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रभागीय वन अधिकारी वन रेंज माला पीलीभीत के स्तर से संपादित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में एक कार वाले ने सड़क किनारे बैठी मासूम बच्ची पर कार चढ़ा दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ग्रेटर नोएडा में डीएम कार्यालय के बाहर स्टंट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर किया हुड़दंग। डीसीपी ट्रैफिक ने जांच के दिया आदेश। स्टंट करने वाले युवक पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सोनभद्र में आयोजित मलखंब प्रतियोगिता का समापन किया गया। बता दें कि सोनभद्र में आयोजित मलखंब प्रतियोगिता का उद्घाटन बीते 29 सितंबर को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के 10 टीमों को प्रतिभा करना था, जिसमें जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, आजमगढ़ एवं बलिया की टीमों ने प्रतिभा किया। प्रतिभा करने वाली सभी टीमों द्वारा खेल भावना तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में अनुशासित रहते हुए अपने खेल का प्रदर्शन किया गया। एटा में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने गौआश्रय स्थलों के बेहतर संचालन के लिए दिए निर्देश। अधिकारियों को भेजकर गौशालाओं का कराया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने कहा कि हरे चारे भूसे का होना चाहिए पर्याप्त इंतजाम। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर लिखा जाति सूचक, संप्रदाय सूचक और पदनामों को हटाने के अभियान को लेकर सख्ती बनी हुई है, मगर ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार के इस अभियान को सरकारी लोग खुद ही नहीं मान रहे। दरअसल यूपी के लखीमपुर जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर की गाड़ी पर ही ठाकुर साहब लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब गाड़ी पर बैठकर पूरी शान से घूम रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि यूपी सरकार इसको लेकर अभियान चला रही है। सी न्यूज की नजर अचानक इस गाड़ी पर पड़ गई तो सी न्यूज के रिपोर्टर ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब गाड़ी में यह तो ठाकुर साहब क्यों और कैसे लिखा हुआ है? तो सी न्यूज के सवाल पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हमारे बेटे ने लिखवा दिया, हम आज ही हटवा देंगे। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 124 पर बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से लखनऊ जा रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी। बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस बीच के डिवाइडर को तोड़ती हुई दूसरी तरफ जाकर पलटी। बस में बैठे 14 लोग घायल हुए। सभी लोगों को सैफई पीजीआई भर्ती कराया गया है। मौके पर यूपीडा और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। पलटी हुई बस को क्रेनों की मदद से एक्सप्रेसवे से हटाया गया। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत आज देश भर में 1 तारीख एक घंटा स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में औरैया पहुंचे प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने स्वच्छता कार्यक्रम की हकीकत को परखा व सफाई कर्मचारियों से उनकी समस्याओं पर वार्ता की। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को सफाई कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। वहीं मंत्री संजय निषाद ने नेहरू इंटर कॉलेज में प्रेस वार्ता भी की। स्वच्छता पर बात करते हुए कहा कि पहले देश में अंग्रेजों को निकाल कर सफाई की गई।
सोनभद्र के नोडल अधिकारी व जिलाधिकारी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य कूड़ा करकट वाले संवेदनशील क्षेत्रों और अधिक आवाजाही वाले स्थानों को साफ कर स्वच्छ सुंदर हरित बनाना है। शासन के निर्देशों के क्रम में नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त व जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका अंतर्गत बढ़ौरी चौक से झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत। इस अभियान के दौरान नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी व विधायक आदि ने झाड़ू लगाकर श्रमदान कर स्वच्छता कार्यक्रम में अपनी जिम्मेदारी निभाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मंडलायुक्त नोडल अधिकारी ने मकर गांव में जूट से बने थैलों का वितरण किया। सोनभद्र में एसओजी सर्विलांस व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर किए गिरफ्तार। एक कंटेनर वाहन से 175 किलो जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपए किया मादक पदार्थ गांजा बरामद। पूछताछ करने पर तस्करों द्वारा बताया गया कि वह लोग इस कंटेनर में अलग से बनाए गए चैंपर में गांजा छुपाकर उड़ीसा से फरीदाबाद ले जा रहे थे। यह गांजा हरियाणा में धीरज कुमार निवासी फरीदाबाद हरियाणा को देना था। बता दें कि यह गांजा तस्कर ये काम पहले भी कई बार कर चुके हैं।